सिवान में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में विधायक 6 से 10 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन ले रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने। सिवान में मीडिया संवाद के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं में जमीन पर हो रहे भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना तय है, लेकिन जहाँ भी वे गए वहाँ हर लाभार्थी का यही कहना है कि उनके अनाज की चोरी हो रही है। ये चोरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें व्यवस्थित तरीके से औसतन 40 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लिया जाता है, जिसमें अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का हिस्सा होता है। कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना में जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, पूरे बिहार में अभी तक जहां मैं गया हूं हर व्यक्ति ये मानता है, स्वीकारता है कि अनाज 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिल रहा है, मतलब करीब करीब 20% की उसमें चोरी है। और ये चोरी इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जब ये अनाज आता है तो हर प्रखंड में वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से प्रति महीने 15 से 25 हजार क्विंटल तक अनाज आता है, और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपये औसतन 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जाता है। और इस पीसी में सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सबका हिस्सा है, विधायक इंक्लूडेड, इसको भी लिख लीजिए। विधायकों को भी बजाता हर महीने, ज़्यादातर विधायकों को गरीब कल्याण योजना में जो 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पीसी काटा जा रहा है उसमें विधायकों का भी लोग 6 रुपये से 10 रुपये प्रति क्विंटल हिस्सा बता रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। मुझे अभी तक 5 किलो अनाज पाने वाला कोई लाभार्थी मिला नहीं 1000 से ज्यादा गांव में। जहां भी वे गए वहां हर लाभार्थी का यही कहना है कि उनके अनाज की चोरी हो रही है। ये चोरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें व्यवस्थित तरीके से औसतन 40 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लिया जाता है, जिसमें अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का हिस्सा होता है। कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, पूरे बिहार में अभी तक जहां मैं गया हूं हर व्यक्ति ये मानता है, स्वीकारता है कि अनाज 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिल रहा है, मतलब करीब करीब 20% की उसमें चोरी है। और ये चोरी इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जब ये अनाज आता है तो हर प्रखंड में वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से प्रति महीने 15 से 25 हजार क्विंटल तक अनाज आता है, और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपये औसतन 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जाता है। और इस पीसी में सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सबका हिस्सा है, विधायक इंक्लूडेड, इसको भी लिख लीजिए। विधायकों को भी बजाता हर महीने, ज़्यादातर विधायकों को गरीब कल्याण योजना में जो 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पीसी काटा जा रहा है उसमें विधायकों का भी लोग 6 रुपये से 10 रुपये प्रति क्विंटल हिस्सा बता रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। मुझे अभी तक 5 किलो अनाज पाने वाला कोई लाभार्थी मिला नहीं 1000 से ज्यादा गांव में। कल